नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी 2024 यानी यूपीपीसीएस 2024 की जो परीक्षा है उसमें कितने पोस्ट हैं इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में, और कौन कौन से विभाग में कितने पोस्ट हैं, ठीक है, इस पे बात करेंगे। किस विभाग में कितना पद है, पद की संख्या बढ़ी है कि घटी है, मनचाहा यानी काफ़ी लोग पूछते थे कि सर ये पद होगा वो पद होगा, तो आपको मैं बता दूँ कि कौन कौन से पद होंगे और मनचाहा पद यानी डीएसडीएम डीएसपी आदि पोस्ट की क्या संख्या होने वाली है। मेरे अनुसार, मेरी जानकारी के तहत जो सीटों की संख्या है उसको मैं डिस्कस करूंगा। मुझे नहीं पता आजकल क्या वायरल चल रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर इसको पुष्टि करिए कि वायरल चल रहा है, इतनी सीट है ऐसे, मुझे नहीं पता, मैं किसी से देखता ही नहीं हूँ, किसी का जानता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको जो जानकारी मिलती है वो हम बताते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी 100% सही हो, इस वजह से क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपके साथ किसी प्रकार का भ्रम प्रकार जो न्यूज़ है वो ना दी जाए। और स्टार्टिंग से ही बताते आया हूँ, काफ़ी आप सभी लोगों ने ट्रोल भी किया है कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, जबकि नोटिफिकेशन आने तक आ भी गया, 200 तक में थे पोस्ट का नोटिफिकेशन, तब पर भी लोगों ने कहा, लेकिन हम बात अपने बदले नहीं, वही कहते रहे शुरू के समय से ही। और रही बात आपसे लोगों की चर्चा की, तो आइए हम चर्चा कर देते हैं क्या है कैसे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार में, अब देखिए पीसीएस 2024 में पद की जो संख्या है वो अभी 750 तक में, 800 तक में मैं बोलता था, लेकिन इतने में ये पद आपको प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट तक होते होते तक में इतने पद देखने को मिलेंगे। बहुत से पद इसमें हो सकता है ना जुड़े जाए अंततः, वो अगले साल जो 25 की परीक्षा होगी उसमें रहने के लिए चांसेस रहेंगे। क्या होगा ये सारे समय डिसाइड करेगा, ना कि किसी के बस में नहीं है कि कोई डिसाइड कर ले, यहाँ तक कि जहाँ से अधियाचन प्राप्त हो रहा है, जहाँ जिसको मिल रहा है वहाँ तक भी डिसाइड का कोई कार्य निश्चित नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि एसडीएम की 35 के आसपास, देखिए अब कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हम अपने हिसाब से हम आपको जो जानकारी है वो हम लिखे हैं, जो जो सीटें हैं जो जानकारी वो बता रहे हैं। अगला वीडियो दोस्तों हम आपको आरओ एआरओ की बता देंगे, कितनी पोस्ट है आरओ में एआरओ में टोटल कितनी है, काफ़ी भ्रम फैला हुआ है सर बढ़ गया है घट गया है। इसके बाद अगली वीडियो हम आपको एलटी ग्रेड और बीईओ की देंगे, और साथ ही में उसके बाद बहुत बड़ी अपडेट हम आपको जो टीजीटी पीजीटी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ समाचार देंगे। हम चाहे तो एक ही वीडियो में दे दें लेकिन थोड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है, तो जो थंबनेल बना है वही लोग उसको देखेंगे तो उनको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो एसडीएम की मैं 35 बता रहा हूँ, प्लस भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डीवाईएसपी की मैं इसको बता रहा हूँ 16-17 अभी तक में, वर्क ऑफिसर पंचायती राज में ये टोटल 30 प्लस हैं, ठीक है। एआरटीओ 10 प्लस और व्यवस्था अधिकारी और व्यवस्थापक जो है ये है जो है 16-17 के आसपास में। सब रजिस्ट्रार ये 50 में है, ठीक है। ACTT का जो पोस्ट है ये काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है। अभी मेरे अनुसार ये पोस्ट आपको 120 प्लस देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे अभी इसमें हो सकता है कुछ पद और बढ़ें। BDO की जो पोस्ट है वो 35 प्लस होने के पूरी सूचना है। CTO जो कि पोस्ट है वो 40 प्लस और NT की 100 प्लस है। इसमें NT के भी कुछ पद बढ़ सकते हैं और BDO के भी कुछ पद बढ़ सकते हैं, तो ये जानकारी हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको बताऊं यदि पिछड़ा कल्याण अल्पसंख्यक और स्पेशल पद की कुल संख्या मिलाकर ये तकरीबन हमको 130 से 150 के आसपास ये पोस्ट देखने को मिलेगी यूपीपीसीएस 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट तक में, तो ये जानकारी हम आप सभी लोगों को दे रहे हैं। और रही बात हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जो लोग जुड़े ना हो, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो फोटो यहाँ पे लगा हुआ है वही फ़ोटो वहाँ पे भी लगी हुई है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में, वहाँ तमाम 21 22 23 बैच के तमाम टॉपर्स हैं जुड़े हुए हैं, समय समय पे आप सभी लोग के लिए कार्य करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, वहाँ चैनल के माध्यम से भी, और आप सभी लोग के लिए भविष्य में हम अपने उस चैनल के माध्यम से इतना बेहतरीन करने का काम करेंगे जिससे आप सभी लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सारे जो डाउट्स होंगे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और रही बात आपकी और भी कुछ बातें हों तो हमसे क्लियर कर सकते हैं, और जो आपके मन चाहे पोस्ट हैं वो मैंने बता दिए। काफ़ी लोग मेल करते हैं सर CDPO की पोस्ट, तो CDPO की पोस्ट मुझे दिख नहीं रही है, और साथ ही में अन्य तमाम ऐसे और भी पोस्ट हैं जिसके विषय में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो जो है जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और जो भाई अपने लोग हैं जो चैनल को पसंद करते हैं वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया करें, और कुछ क्वेरी हो पूछें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम एक कमेंट सबको कॉमन करें और अलग अलग से वीडियो ऐसे बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।